राजस्थान की विधानसभा में 91 माननीय विधायकों का त्यागपत्र किस्सा कुर्सी का एक अंग बन चुका। 97 दिन गुजर गए और आज भी विधानसभा अध्यक्ष जी ने त्यागपत्र देने वाले त्यागपत्र वीरों पर उचित निर्णय नहीं लिया। उन्होंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के बाद विधानसभा के सदस्य के रूप में, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में वेतन प्रलिप्तियाँ, सरकार के आवास का आनंद लेते रहे, जिला और मंत्रिमंडल की बैठक में जाते रहे। और आज ये मामला जब माननीय उच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधिपति के अदालत में आया और मैंने जब ये कहा कि विधानसभा का सत्र 23 जनवरी से आहूत हो गया है, अभी भी ये सवाल खड़ा है कि इनके त्यागपत्र पर क्या निर्णय हुआ, और जब विधानसभा अध्यक्ष जी के तरफ से AG और AG उपस्थित हुए, सबसे पहले मैंने ऐतराज़ किया। AG और AG सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिकल 165 संविधान के अनुसार, इसलिए ये किस हैसियत से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके साथ ही जब उन्होंने समय मांगा कि हमें रिप्लाई के लिए समय दें, तब ऐतराज़ इस बात का मैंने किया कि अनादिकाल के लिए समय नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिए कि 10 दिन के अंदर इन त्यागपत्रों पर निर्णय करें, इस तरह की बात हुई है। मैं समझता हूँ कब ये पूरा मामला अदालत के पास है, ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, पर न्यायालय इसमें नज़ीर बनाएगा। संसदीय लोकतंत्र के अंदर एक तरह से संविधान का मखौल और जनतंत्र का मखौल, और अचानक आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले प्रतिनिधि ये कह दें हम अपने दायित्व से मुक्त हो गए, स्वेच्छा से विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाकर त्यागपत्र दें, ये त्यागपत्र के नाटक ने राजस्थान की विधानसभा को कुलुषित और कलंकित किया है। इन्हीं से व्यथित होकर मैं अदालत में आया हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। इससे पहले 16 तारीख है, 16 तारीख को देखो क्या निर्णय होता है, इसके अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए 16 तारीख मैंने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दिए।